फाइनल ईयर हो गया है, अब हायर स्टडी करना है। मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट की जिनने बीएससी करा है, बीकॉम करा है, बीबीए करा है, मतलब नॉन टेक कोर्स कर रहे हैं। अब उनकी जॉब लगी नहीं है क्योंकि उनका कॉलेज इतना बेस्ट था नहीं। अब आगे ऑप्शन बचता है हायर स्टडी का। हायर स्टडी करने के लिए दो ऑप्शन निकल के आते हैं, एमसीए और एमबीए। हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र पटेल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज अपन इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे एमसीए वर्सेस एमबीए के बारे में। देखो यार, ये दोनों कोर्स अलग अलग डायरेक्शन के, अपने अपनी फील्ड के बहुत शानदार कोर्सेस हैं और इनमें कंपैरिजन कुछ भी बनता नहीं है। बट फिर भी आप इस वीडियो से एक ओवरऑल अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा, एमसीए रहेगा या फिर एमबीए रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें ड्यूरेशन की तो दोनों ही कोर्स एमसीए हो या फिर एमबीए हो 2 साल के होते हैं और दोनों ही मास्टर प्रोग्राम है। एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमसीए मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बात करते हैं एमबीए कोर्स की, तो एमबीए देखो यार वो वाले स्टूडेंट्स करते हैं जिनको फ्रंट एंड पे काम करना पसंद है, मतलब मैनेजिंग वाला काम या फिर लीड करने वाला काम, डायरेक्ट कस्टमर से जो इंटरेक्टिव होता है वो वाला काम, ठीक है। मैनेजिंग वाला जो काम रहता है मैनेजमेंट का, वो सारा एमबीए के अंतर्गत में आता है। तो जिन स्टूडेंट को इंटरेस्ट है मैनेजिंग वाले काम में या फिर फ्रंट एंड काम करने में, तो वो ये प्रेफर कर सकते हैं। ये वाले कोर्स से पूरा मैनेजिंग वाला अपनी स्किल्स डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, वो सारी स्किल्स आप इससे डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो इसके एवरेज पैकेज क्या निकल का, तो अगर आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हैं तो फाइनली इसका एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 4 लाख पर एनम का आ जाता है। लेकिन अगर आप टॉप कॉलेज से करते हैं, मान लिया आपने केट एग्जाम निकाल ली, आईएएम का या फिर दिल्ली के जो भी कॉलेज है, फैकल्टी कॉलेज है, उनका अगर एवरेज पैकेज देखें तो उनका लाखों में पैकेज जाता है। बट वो एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको केट की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम की तो 3 मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम निकल के आती है। सबसे पहले नंबर पर आती है केट, जिसके थ्रू आपको टॉप आईएएम के अंदर एडमिशन मिलता है, साथ ही टॉप कॉलेज के अंदर भी मिलता है। कुछ कॉलेज है जो केट का टॉप कॉलेज में आते हैं, जो केट के थ्रू एडमिशन देते हैं। फिर उसके बाद जीमेट का निकल के आता है, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज एमबीए के लिए जो एडमिशन देते हैं वो जीमेट के थ्रू देते हैं। एक मेड भी एग्जाम निकल के आती है और फिर XATB निकल के आती है, इनके थ्रू भी आपको कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में, तो आप मान के चलिए आपका अच्छा खासा ओवरऑल पैकेज लगेगा और प्लेसमेंट बहुत शानदार रहेगी क्योंकि कॉलेज आपका बहुत शानदार रहेगा। लेकिन अगर आप एक एमपी के स्टूडेंट्स और आपने ग्रेजुएशन भी एक नॉर्मली कॉलेज से किया और फिर आप एमबीए भी नॉर्मली कॉलेज से कर रहे हो, जो भी बिगर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कर रहे हो, तो इतना अच्छा आपका पैकेज नहीं रहता है ना। एमबीए की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें इसकी ब्रांचेस की, तो इसके अलग अलग ब्रांचेस रहती है, अलग अलग फील्ड और स्पेशलाइजेशन रहती है, जैसे एचआर हो गया, आईटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अलग अलग स्पेशलाइजेशन रहती है जिसमें आप एमबीए कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग टॉप कॉलेज भी आते हैं, अगर कौन से स्पेशलाइजेशन से करना है तो उस हिसाब से भी आपको कॉलेज अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से स्पेशलाइजेशन से कौन सा टॉप कॉलेज है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि अपने एमपी में टॉप कॉलेज कौन से हैं, और अगर आपसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रही है तो फिर आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे जहां से एटलीस्ट यार प्लेसमेंट तो हो जाए, क्योंकि अपन ओवरऑल जो एमबीए कर रहे हैं वो प्लेसमेंट के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये सारी डिटेल एमबीए के लिए हो गई, अब अपन बात करते हैं एमसीए के बारे में। तो देखो यार, एमसीए का मतलब होता है मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनका इंटरेस्ट फ्रंट एंड काम करने का नहीं है, वो बैक एंड काम करना चाहते हैं, मतलब वो डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो उनका सिंपल सा काम है बैक एंड में बैठ के कोडिंग कर लेंगे, कंप्यूटर पे जो वर्क करेगा वो कर लेंगे, कंपनी का जो भी वर्क करेगा वो सारा कर लेंगे। तो ये वाले स्टूडेंट ज़्यादातर इंटरेस्ट लेते हैं कंप्यूटर फील्ड वाले, आईटी फील्ड वाले, जिनने बीएससी सीएस से कर रखा है, मतलब कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, जिनने बीसीए कर रखा है या फिर जिनने बीकॉम कंप्यूटर साइंस से करा है, तो मतलब कंप्यूटर फील्ड वाले इंटरेस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट एमसीए में लेते हैं। तो सिंपल अगर इसमें क्या सिखाते हैं, तो सिंपल सा इसमें कोडिंग का पूरा खेल रहता है, आईटी सेक्टर का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन रहते हैं वो सारी स्किल्स यहाँ पे डेवलप कराते हैं, चाहे आप पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, सारी लैंग्वेज आपको यहाँ से डील करनी पड़ती है और यहाँ से आपको मोस्टली स्किल कराते हैं। अगर अपन बात करें अपने एमपी में कौन से टॉप कॉलेज है, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अगर बात करें आपका इसका एडमिशन कैसे होता है, तो यार एडमिशन जो होता है वो बहुत सारे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेता होता है और बहुत सी यूनिवर्सिटी वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है। लेकिन अगर बात करें अपने एमपी में, तो एमपी में कोई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं होता, आपको डायरेक्ट मिल जाता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में शानदार परसेंट है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बट गवर्नमेंट कॉलेज इतने ज़्यादा है नहीं, तो वो ओवरऑल मिल सकता है अगर आपका अच्छा परसेंटेज है, तो आपके प्राइवेट कॉलेज में भी मिल जाएगा अगर आपके ग्रेजुएशन में नॉर्मल ठीक ठाक परसेंटेज है। फिर इसके बाद में सेम कंडीशन फॉलो होती है, अगर आपके एमसीए में आपकी स्किल अच्छी नहीं है, मतलब आईटी सेक्टर में आपको काम करना है और आपको काम आता नहीं है, तो पिछली बात है आपको जो है जॉब मिलने वाली है नहीं और इसका एवरेज पैकेज तो भूल जाइए आप। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी कर रहे हैं लेकिन आपकी स्किल बहुत शानदार है, आपको कोडिंग पर डील है, आपकी पकड़ है या फिर आपको लैंग्वेज पर पकड़ है, तो आपको अच्छा खासा जो है एवरेज पैकेज मिल जाएगा। और अगर बात करें अगर आपने टॉप कॉलेज से एमसीए कर लिया है,
तो लगभग लगभग 7 से 8 लाख पर एनम का आपका एवरेज पैकेज हो सकता है। अब यहाँ पे सिंपल है, जिन स्टूडेंट्स को फ्रंट इन में काम करना है, मैनेजिंग का काम करना है, मैनेजर वाला काम करना है, मैनेजमेंट वाला काम करना है, वो MBA कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी आपको, ये सारा जो काम रहता है वो MBA वाला स्टूडेंट्स करता है, तो आप वो MBA कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बैकएंड में काम करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना है, IT सेक्टर से, अपने कोर सेक्टर से रिलेटेड काम करना है, तो आप जो MCA कर सकते हो। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि अगर आप MBA कर रहे हो तो फिर आपको कोई अच्छे से ही कॉलेज से करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है प्लेसमेंट मिलेगी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपने नॉर्मली कॉलेज से कर ली और आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप MCA एक नॉर्मल कॉलेज से करते हो और अपनी स्किल्स डेवलप कर लेते हो, तो यहाँ पर आपके चांस है कि आपको अच्छे पैकेज पे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आपको MBA करना चाहिए, MCA करना चाहिए। MBA करने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर ऑलरेडी BTech वाले रहते हैं, जिनने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखा है, जिनका IT सेक्टर कंप्यूटर साइंस जो है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, जिनको कोडिंग आती है, वो फिर प्रेफर करते हैं MBA करने के लिए, आगे हायर स्टडी करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जॉब्स रहती है अवेलेबल IT सेक्टर के लिए। ठीक है, अगर आप एक नॉन टेक के हैं जिनने BSc करा है कंप्यूटर फील्ड में, IT फील्ड में, BCA करा है या फिर MCOM करा है कंप्यूटर फील्ड में, तो फिर आपको MCA ही करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी अगर कोर फील्ड से अगर लगता है कि इंटरेस्ट है और आप इसमें अच्छा बेस्ट कर सकते हो, तो फिर आप MCA में करोगे तो आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि MBA में जब तक आप इंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करते, तब तक आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से में इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें दोनों ही कोर्स के लिए अपने टॉप कॉलेज कौन से ऑल इंडिया में और कौन सी इंट्रेंस एग्जाम पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, साथ में अपने MP में कौन से टॉप कॉलेज हैं और कहां से शानदार प्लेसमेंट होता है, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा कि मुझे कितनी मेहनत करनी है और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल तो सारा खेल कॉलेज का ही है कि अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, आपका प्लेसमेंट बहुत शानदार रहेगा, आपकी सैलरी बहुत शानदार रहेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वो वाला वीडियो जरूर देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सारा करियर कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ ही अगर आप एक MP के स्टूडेंट हैं तो MPSP से जरूर जुड़े, और MPSP क्या है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते। साथ में अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई से भी कॉलेज का आपको नंबर चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन सेल का नंबर चाहिए, या फिर वहाँ से आपको रेफरेंस पर्सन के थ्रू जाना है, और या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ से आपका सारा कॉन्टेक्ट करा देंगे, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो। ठीक है, ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।